कमर्शियल ला के हमारे पेपर में यूनिट फर्स्ट में तीसरा टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स पर हम अपने पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, इस लेक्चर में हम राइट्स ऑफ पार्टनर्स पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स को डिस्कस करते समय मैंने बताया था कि ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड स्टेच्यूटरी ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। उसी तरीके से राइट्स ऑफ पार्टनर्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स ऑफ पार्टनर्स एंड स्टेच्यूटरी राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो सेक्शन 11 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का वो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स ऑफ पार्टनर्स की बात करता है। तो सेक्शन 11 ये कहता है कि म्यूचुअल राइट्स ऑफ पार्टनर्स मे बी डिटरमिन्ड बाई ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स विच मे बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आर मे बी ए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट विच इज इम्प्लाइड बाई कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन देम। सच ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी इंटर्ड इंटू बाई कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड सच ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी चेंज बाई द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। धारा 11 ये कहती है कि भागीदारों के जो म्यूचुअल राइट्स हैं वो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए उनके मध्य संविदा द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, और ये संविदा भागीदारों के मध्य अभिव्यक्त रूप से हो सकती है या उनके मध्य कोर्स ऑफ डीलिंग से इम्प्लाइड हो सकती है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट सभी पार्टनर्स की कंसेंट से होना चाहिए, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी टाइम पर सभी पार्टनर्स की कंसेंट से चेंज किया जा सकता है। तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स ऑफ पार्टनर्स हैं वो जो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है उसी में पार्टनर्स द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। इसके अलावा बचता है स्टेच्यूटरी राइट्स ऑफ पार्टनर्स, वे राइट पार्टनर्स के वे राइट्स जिनके बारे में भारतीय भागीदारी अधिनियम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में प्रोविजन किए गए हैं। तो भारतीय भागीदारी अधिनियम में ये कुछ राइट्स सेक्शन 12, 13 और 17 में बताए गए हैं पार्टनर के कुछ राइट्स, और ये जो पार्टनर के राइट्स हैं ये सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स है। मतलब ये सारे राइट्स जो पार्टनर्स के गिनाए गए हैं ये सभी उनके मध्य संविदा के अधीन हैं। अगर उन्होंने सेक्शन 11 में कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कोई अपने राइट्स को डिटरमिन कर लिया है और उसमें कुछ उन्होंने ऐसा प्रोविजन किया है जो इन राइट्स से कंट्रेरी है, तो ऐसी स्थिति में जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट से राइट डिसाइड किया है वही इन्फोर्सेबल होगा और ये प्रोविजंस नहीं अप्लीकेबल होंगे। तो ये सारे राइट्स जो स्टेच्यूटरी राइट्स बताए गए हैं ये सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स हैं, इनको भागीदारों द्वारा संविदा के माध्यम से बदला भी जा सकता है। तो स्टेच्यूटरी राइट्स में पहला राइट है राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस। तो सेक्शन 12A इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। प्रत्येक भागीदार को फर्म के कारोबार के संचालन में भाग लेने का अधिकार है, ये उसका सामान्य सा अधिकार है जो कि सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स है। मतलब वे आपस में कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से इस राइट को चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा राइट है राइट टू वोट। फर्म के जो डिसीजंस लिए जाने हैं, फर्म के बिजनेस रिलेटेड, फर्म के कारोबार से संबंधित जो भी बिजनेस के डिसीजंस लिए जा रहे हैं उन डिसीजंस को लेते समय हर पार्टनर को अपना वोटिंग राइट होता है, मतलब उसको अपना मत व्यक्त करने का अधिकार होगा। और ये जो पार्टनर्स का मत व्यक्त करने का अधिकार है, अपना वोट देने का अधिकार है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ऑर्डिनरी मैटर्स कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द फर्म एंड चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म। तो सेक्शन 12C ये कहता है कि अगर ऑर्डिनरी मैटर्स कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ फर्म से रिलेटेड कोई डिसीजन है, मतलब फर्म के कारोबार से संबंधित सामान्य मामलों से संबंधित कोई निर्णय लिया जाना है, तो उस मामले में जो निर्णय लिया जाएगा वो सभी भागीदारों के बहुमत से लिया जाएगा, वो मेजॉरिटी से लिया जाएगा। लेकिन अगर फर्म के बिजनेस के नेचर में कोई चेंज करना है तो उस मामले में फर्म के बिजनेस के नेचर को चेंज करने से रिलेटेड जो डिसीजन है
उसके लिए सभी पार्टनर्स की कंसेंट की जरूरत होगी, मतलब वो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स या यूनैनिमस डिसीजन से वो निर्णय लिया जाएगा। सभी पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए अगर फर्म के बिजनेस के नेचर में कोई चेंज करना है। तो एक केस है मॉडर्न मेटल इंडस्ट्रीज वर्सेस शांति पुरेरिया का केस, उसमें मॉडर्न मेटल इंडस्ट्रीज वर्सेस शांति पुरेरिया के केस में ये कहा गया कि सभी पार्टनर्स को सभी डिसीजंस में वोट देने का अधिकार है, मतलब कोई भी डिसीजन सभी पार्टनर्स का वोट लेने के बाद ही लिया जाएगा। अगर कोई मामला ऐसा है जिसमें मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जा सकता है वहाँ भी पहले सभी पार्टनर्स की का वोट लिया जाएगा और उसके बाद ही मेजॉरिटी के डिसीजन को कलेक्ट किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मेजॉरिटी की डिसीजन हो गई तो माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको राइट ही ना दिया जाए अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने का। फॉर एग्जांपल अगर किसी फर्म में 10 पार्टनर्स हैं तो अगर कोई डिसीजन लिया जाना है वो फर्म के नेचर आप बिजनेस में चेंज करने के लिए तो 10 की सम्मति होनी चाहिए, यहाँ तो 10 का राइट टू वोट होगा ही होगा। लेकिन ये जो दूसरी वाली स्थिति है जिसमें ऑर्डिनरी मैटर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द फर्म पे डिसीजन लेना है तो 10 पार्टनर्स हैं तो जो डिसीजन लिया जा सकता है वो 6 की मेजॉरिटी से लिया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 6 या 7 लोग किसी एक पक्ष में हो गए तो वो 2 या 3 लोगों की के वोट ही नहीं लेंगे या उनकी ओपिनियन पूछेंगे ही नहीं। यहाँ पर 10 लोग अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, जब 10 अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर चुके होंगे तब फिर मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। ये मॉडर्न मेटल इंडस्ट्रीज वर्सेस शांति पुरेरिया का जो केस है इसमें फैक्ट ये था कि एक फर्म में 3 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर कलकत्ता में रहता था जो फर्म के बिजनेस को ऑपरेट करता था, बाकी 2 पार्टनर्स कलकत्ता में रहते थे। इन 3 पार्टनर्स में कुछ मतभेद हो गया तो वो 2 पार्टनर्स जो कलकत्ता में रहते थे उन्होंने मेजॉरिटी से ये डिसीजन लिया कि उसका बैंक के खातों को ऑपरेट करने का जो पार्टनर का राइट है जो कानपुर में रहने वाला पार्टनर था उसको उन्होंने बंद कर दिया। तो कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे मेजॉरिटी भले ही थी लेकिन जो तीसरा पार्टनर था उसका वोट नहीं लिया गया था, इसलिए ये फेयर उसी का वायलेशन है और ये डिसीजन एक वैलिड डिसीजन नहीं था। तो ये भी सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स है। सेक्शन 3 राइट है एक्सेस टू बुक्स, जो फर्म के खाते हैं जो लेखा भगियां हैं उनके बारे में सेक्शन 12 का क्लास डी ये कहता है कि एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू एक्सेस टू बुक एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी देम। हर पार्टनर की जो फर्म के अकाउंट की बुक्स हैं उन तक पहुंच होगी, वो उनका इंस्पेक्शन कर सकता है उनकी कॉपी कर सकता है। 4th राइट है राइट टू रिम्यूनरेशन। सेक्शन 13 का क्लास ए ये कहता है कि जब तक अदरवाइज कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा किसी भी पार्टनर को फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई रिम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। मतलब सामान्यतः कोई रिम्यूनरेशन किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा भले ही वो फर्म के लिए कुछ ज़्यादा काम करता हो, लेकिन अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उनमें है तब रिम्यूनरेशन उसको मिल सकता है। 5th राइट है राइट टू प्रॉफिट। सेक्शन 13 का क्लास बी ये कहता है कि एवरी पार्टनर शैल कंट्रीब्यूट इक्वली इन द लॉसेस एंड शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट्स। तो फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें प्रत्येक पार्टनर इक्वली शेयर होल्ड करेगा जब तक कि उनके बीच में कोई कंट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट ना हो। अगर उन्होंने कंट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट द्वारा ये डिसाइड कर लिया है कि सारे पार्टनर्स को अलग अलग मात्रा में दिया जाएगा प्रॉफिट तब तो अलग अलग मिलेगा, अदरवाइज जनरल रूल ये है कि सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट्स में इक्वल शेयर मिलेगा और लॉसेस में वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। 6th राइट है राइट टू इंटरेस्ट। सेक्शन 13 का सी और डी राइट टू इंटरेस्ट की बात करता है। तो सेक्शन 13 का क्लास सी ये कहता है कि अगर किसी पार्टनर को उसके द्वारा दी गई कैपिटल पर पूंजी पे अगर कोई ब्याज दिया जाना है तो वो ब्याज फर्म के फायदे में से ही दिया जाएगा, प्रॉफिट्स में से ही दिया जाएगा। तो मतलब पूंजी पर किसी भी पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तभी दिया जाएगा जब फर्म को फायदा होगा, अगर फर्म को फायदा नहीं होता है तो पूंजी पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है तो। सेक्शन 13 का क्लास डी ये कहता है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कुछ एडवांस दिया है, मतलब उसका जो शेयर बनता है उससे ज़्यादा अगर उसने पेमेंट किया है तो उस एडवांस पर उसको 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दिया जा सकता है, ये कहता है सेक्शन 13 का क्लास डी।
सेवेंथ राइट जो पार्टनर का है वो राइट टू इंडेमनिटी है, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। तो सेक्शन 13 का क्लास ई ये कहता है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म के बिजनेस के ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट में कोई पेमेंट किया है या लाइबिलिटी इनकर की है तो उसके लिए वो फर्म से क्षतिपूर्ति पाने का, इंडेमनिटी पाने का हकदार होगा, या इमरजेंसी की कंडीशन में, आपात स्थिति में फर्म को लॉस से बचाने के लिए, अगर फर्म को हानि से बचाने के लिए उसने ऐसा कोई कार्य किया है जो कि कोई ऑर्डिनरी प्रूडेंस का व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में करता, तो अगर ऐसा कुछ फर्म को लॉस से बचाने के लिए उसने कोई कार्य किया है तो उस पेमेंट के लिए या उस लाइबिलिटी के लिए भी पार्टनर इंडेमनिटी प्राप्त करने का अधिकार होगा, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी होगा, मतलब जो कुछ उसने खर्च किया है वो उस फर्म से प्राप्त कर सकता है। फिर आता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 जो है वो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स की बात उन स्थितियों में करता है जब फर्म में कोई चेंज होता है या अगर फर्म किसी निश्चित समय के लिए की गई थी तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ द फर्म, मतलब फर्म एक निश्चित समय के लिए गठित की गई थी लेकिन उस निश्चित समयावधि के बीच जाने के बाद भी फर्म अपने कारोबार को चालू रख रही है उस स्थिति में, या वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरीड आउट, या फर्म किसी एक विशेष कार्य के लिए बनाई गई थी, जिन कार्यों के लिए फर्म को बनाया गया था उससे अतिरिक्त अगर वो कोई कार्य प्रारंभ कर देती है, तो इन तीनों स्थितियों में सेक्शन 17 कहता है कि अगर पार्टनर्स के बीच अदरवाइज कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उन्होंने इस बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा है तो पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज वही होंगे जो कि उस फर्म में चेंज के पहले या फर्म के टर्म की एक्सपायरी के पहले या एडिशनल अंडरटेकिंग लिए जाने के पहले जो पार्टनर्स के राइट्स थे वही राइट बने रहेंगे। मतलब अगर फर्म में कोई चेंज होता है तो अगर पार्टनर्स ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस हिसाब से उनके राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे, नहीं तो फर्म में कोई चेंज होने के बावजूद भी पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, ये कहती है धारा 17। तो ये राइट्स ऑफ पार्टनर्स पर ये डिस्कशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।